नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों जो अभी TCS का ऑफ कैंपस एग्जाम हुआ है उस पर डिटेल्ड एनालिसिस हम करने वाले हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन भाई मैं आपको एकदम डिटेल्ड मैनर में चीजें आपको बताने वाला हूं और एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर देने वाला हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम डिटेल, जनरल इंस्ट्रक्शंस, एडाप्टिव पैटर्न था कि नहीं, इन सेंटर वालों के लिए क्या था, रिमोट वालों के लिए क्या था, सब कुछ बता देने वाला हूं। भाई दो लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक तो जिनका पेपर अभी होने वाला है TCS का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उनको पहले से सारी डिटेल पता चल जाएगी। दूसरा, जिनका ऑलरेडी पेपर हो चुका है उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है भैया, उसके बारे में मैं बात करूंगा। क्या हर एक सेक्शन का अलग कट ऑफ होगा या ओवरऑल कट ऑफ जाने वाला है भाई, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। भाई देखो, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं भाई जिन बच्चों का ऑलरेडी एग्जाम हो गया, डिफिकल्टी लेवल नेक्स्ट लेवल आई थी भाई, है ना, नेक्स्ट लेवल की डिफिकल्टी लेवल आई थी भाई। तो आपका पेपर बिगड़ा होगा, पेपर लेंदी आया था, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चों का पेपर जो है बिगड़ा है, पूरा सॉल्व नहीं करके आए हैं। तो घबराना नहीं, हताश नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना भाई, कट ऑफ काफी कम जाने वाला है भाई, है ना। ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो हर एक सेक्शन में अगर आपने 40-40-40% या 50-50-50% भी स्कोर किया है यू आर सेफ। ओवरऑल 40-50% भी स्कोर किया है यू आर सेफ भाई, आपका इंटरव्यू का मेल आ जाने वाला है, चिंता वाली बिल्कुल भी बात नहीं होने वाली है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे चीटिंग कर रहे हैं एग्जाम में। तो लास्ट ईयर TCS ने क्या किया था, मैक्सिमम बच्चों को फर्स्ट राउंड में तो सिलेक्ट करा दिया था और इंटरव्यू में फिर उनसे डील किया था क्योंकि इंटरव्यू में आप चीट नहीं कर सकते हो, है ना। तो भाई बिल्कुल एकदम हिम्मत हार के मत बैठ जाना, हो सकता है आपका आप हिम्मत हार के बैठे हो, प्रिपरेशन इंटरव्यू की कर नहीं रहे हो, एकदम से मेल आ जाए रिजल्ट का, दो दिन बाद इंटरव्यू, तो नेक्स्ट लेवल रिग्रेट करोगे, है ना। तो प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर सकते हो, आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। नॉलेज गेट से करना चाहते हो तो रेज्यूम और इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स आपके लिए बनाया गया है। इसमें TCS के अभी तक ब्रांच वाइज जितने भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे हैं सारे कवर्ड हैं। रेज्यूमे ट्रेनिंग भी है, टेक्निकल HR इंटरव्यू की ट्रेनिंग भी है, प्लस सबसे खास बात, वन ऑन वन आपके यश भैया आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे, टेक्निकल HR इंटरव्यू, और साथ में फीडबैक कॉल देंगे। मैं हुए आपका रेज्यूम पूरा वेरीफाई कराऊंगा और पूरा एकदम बताऊंगा आपने इंटरव्यू में क्या अच्छा बोला क्या बुरा बोला। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेक कर लेना, लास्ट में डिटेल भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। अब जल्दी से एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, रेज्यूम और इंटरव्यू प्रिपरेशन में 25 अगस्त से हम इसमें लाइव ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं TCS के इंटरव्यू के लिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जल्दी से एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फाउंडेशन सेक्शन की जो आया था, इसमें सबसे पहले तो ट्रेड्स आया था भैया। ये ट्रेड्स क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना एग्जाम के पहले कि भैया ये सिस्टम आप यूज कर रहे हो ऐसा वैसा, रेड में क्या दिखेगा, ब्लू में क्या दिखेगा, भाई ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, मार्क फॉर रिव्यू कैसे कर सकते हैं, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लिखे हुए थे। आपको लगभग 2 मिनट का टाइम दिया था इसको रीड करने के लिए, इसका कोई वेटेज नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरिंग मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं मेनली फाउंडेशन सेक्शन का जो पैटर्न आया था वो कैसा आया था। इन सेंटर और रिमोट एग्जाम, जो लोग घर से दे रहे थे, जो लोग सेंटर से दे रहे थे, दोनों के लिए सेम पैटर्न आया हुआ था। देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 क्वेश्चन आए थे, डिफिकल्टी लेवल टफ था। रीजनिंग एबिलिटी में भी 20 क्वेश्चन आए थे, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू टफ था भाई। और वर्बल एबिलिटी में 25 क्वेश्चन आए थे, डिफिकल्टी लेवल इजी से मॉडरेट था भाई। अच्छी बात क्या थी भाई, टोटल 65 क्वेश्चन आए थे, 75 मिनट दिए हुए थे। ये अच्छी बात नहीं थी भाई, 65 क्वेश्चन 75 मिनट में, तो भाई आपको बहुत क्विक रहना पड़ेगा एग्जाम में। और अच्छी बात मैं बस ये बता रहा हूँ कि हर एक सेक्शन का अलग टाइमर नहीं था, ओवरऑल 65 मिनट मिले थे भाई, ओवरऑल आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने थे भाई। तो ये अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि एप्टीट्यूड में आपको बांध दिया है कि इतने मिनट में एप्टीट्यूड करना है। तो जो टॉपिक आपका वीक है उसमें आप ज्यादा टाइम ले सकते थे, जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है वो जल्दी से भी सॉल्व कर सकते थे। तो टोटल 65 क्वेश्चन आएंगे, 75 मिनट आपको मिलेंगे भाई। एडवांस सेक्शन में क्या हुआ था, एडवांस सेक्शन में आप देखो एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी आई थी, 10 क्वेश्चन आए थे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आए हुए थे भाई। और एडवांस रीजनिंग एबिलिटी में भी 10 क्वेश्चन आए थे, इजी टू मॉडरेट, ये टोटल 20 क्वेश्चन आए हुए थे। और टोटल टाइम आपको 35 मिनट का मिला था इस पूरे 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब सरप्राइजिंग बात यह है कि जो फाउंडेशन सेक्शन था ना उसकी डिफिकल्टी लेवल टफ थी, जबकि जो एडवांस सेक्शन है उसकी डिफिकल्टी लेवल यू नो इजी थी। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ। और उसके बाद कोडिंग पर आ जाते हैं, कोडिंग में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिले भाई, मॉडरेट से टफ डिफिकल्टी लेवल थी, एक मॉडरेट क्वेश्चन आया था, एक टफ क्वेश्चन आया था। जो पहला क्वेश्चन था वो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का था, 20 मिनट फिक्स टाइम दिया था पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप दूसरा क्वेश्चन अभी देख भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। जैसे ही 20 मिनट खत्म हुए पहला क्वेश्चन खत्म किया आपने, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आप आ जा रहे थे, जिसके लिए जो कि टफ क्वेश्चन था, 35 मिनट का आपको टोटल यहां पर टाइम दिया था। दोनों सेक्शन एक साथ एक ही दिन हुए थे, एक के बाद एक हुए थे। पहले आपको फाउंडेशन फिनिश अप करना था, उसके बाद आप एडवांस सेक्शन पे जंप कर सकते हो। अब भाई आप कुछ कुछ बातें देख लेते हैं, जिन बच्चों ने घर से एग्जाम दिया था
क्या भैया हर एक क्वेश्चन पर टाइमर था? जी नहीं, हर एक क्वेश्चन पर टाइमर नहीं था, ओवरऑल 75 मिनट्स का टाइमर आपको मिल रहा था फाउंडेशन सेक्शन के लिए, तो ये 75 मिनट्स का टाइमर आपका चल रहा था। लेकिन एक बात यहां पर जो ध्यान रखनी है, फाउंडेशन सेक्शन में अडैप्टिव पैटर्न था, मतलब आपने क्वेश्चन नंबर वन अटेम्प्ट किया, फिर आप क्वेश्चन नंबर टू पर चले गए, तो फिर वापस क्वेश्चन नंबर वन पे नहीं आ सकते। तो ऐसा मत करना कि भाई क्वेश्चन नंबर वन में ही 4 से 5 मिनट लगा दिए, क्योंकि हो सकता है आखिरी के क्वेश्चंस इजी बनाए हो टीसीएस ने, समझ रहे हो? तो आपको मन में एक पर क्वेश्चन टाइमर फिट करना है कि भाई 1.5 मिनट से ज्यादा मैं किसी भी क्वेश्चन में नहीं लेने वाला हूं, ये एकदम मन में फिक्स कर लेना जो भी आपका टाइमर हो, 1 मिनट 1.5 मिनट या 2 मिनट, और जल्दी से जल्दी उसी टाइमर में क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो कहने को पर क्वेश्चन टाइमर नहीं था, लेकिन मन में आपको पर क्वेश्चन टाइमर ही इमेजिन करना है, वरना पेपर गंदी तरीके से छूटेगा, लास्ट के क्वेश्चन इजी होंगे, रिग्रेट कर जाओगे, और पेपर छोड़ के तो किसी को नहीं आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे क्वेश्चन मार्क करके आना है, ठीक है भाई? तो अडैप्टिव पैटर्न फाउंडेशन सेक्शन में था, लेकिन एडवांस सेक्शन में अडैप्टिव पैटर्न नहीं था भाई। एडवांस सेक्शन के जो 20 क्वेश्चंस आए हुए थे, इनको आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते थे भाई, कभी भी एप्टीट्यूड या रीजनिंग में स्विच भी कर सकते थे, कहीं पर भी जा सकते थे, क्वेश्चन नंबर 15 पे चले गए, फिर 12 पर आ गए, फिर 10 पे चले गए, आप कैसा भी कर सकते थे। लेकिन फाउंडेशन सेक्शन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर गए अगर, तो पिछले क्वेश्चन पर नहीं आ सकते थे, आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते थे भाई, अटेम्प्ट करना कंपलसरी हो रहा था उस क्वेश्चन को, और सबसे पहला जो सेक्शन है वो आप अपने चॉइस से चूज कर सकते थे, मतलब फाउंडेशन सेक्शन होगा, आप जैसे ही पेपर देने बैठे भाई, उन्होंने बोला फाउंडेशन सेक्शन में सबसे पहले आप न्यूमेरिकल एबिलिटी करना चाहते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी करना चाहते हैं कि वर्बल एबिलिटी, आपने चूज किया कि मैं रीजनिंग एबिलिटी सबसे पहले करना चाहता हूं, तो रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस खुल गए। उसके बाद सेकंड और थर्ड जो सेक्शन है वो रैंडमली आ रहे थे, तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, हर एक क्वेश्चन को आपको मन में टाइमर इमेजिन करना है, किसी भी क्वेश्चन में 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, इस बात का अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना है भाई, है ना? इन सेंटर वालों के लिए एकदम रिलैक्स व्यवस्था थी, कोई पर क्वेश्चन टाइमर नहीं था, कोई अडैप्टिव पैटर्न नहीं था, सीधे 65 क्वेश्चंस खुले थे, 75 मिनट का टाइम मिला था, किसी भी सेक्शन पे आप जंप कर सकते थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 2 क्वेश्चन कर लो, फिर रीजनिंग के 3 कर लो, फिर वर्बल के 5 कर लो, उनकी मर्जी थी, आगे पीछे कहीं भी जा सकते थे, क्वेश्चन नंबर 4 से वापस 3 पे आ सकते थे, वापस 1 पे आ सकते थे, ये सारी फैसिलिटीज उनके लिए अवेलेबल थी। इसलिए मैंने आपको डे 1 से बोला था कि इन सेंटर मोड को चूज करना है ना, तो सेक्शन स्विचिंग भी उन लोगों के लिए अलाउड थी। उसके अलावा कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन भाई, कुछ यूट्यूबर्स ने आई डोंट नो क्यों व्यूज पाने के लिए या बाय मिस्टेक जो भी था, उन्होंने ये स्प्रेड कर दिया कि सूडो कोड भी आए थे भाई, और बच्चे घबरा गए, मेरे पास बैक टू बैक मैसेज कर रहे थे, टेंशन नहीं, कोई भी सूडो कोड नहीं आए थे, पहली बात। दूसरी बात भाई, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे, आप इन सेंटर की बात कर लो या घर से एग्जाम की बात कर लो, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल भाई नेक्स्ट लेवल थी, है ना? तो अगर आप इन सेंटर दे रहे हो तो मैं तो बोलता हूं स्टार्टिंग के 5 5 5 क्वेश्चंस स्किप करके लास्ट में देना भाई, और जो लोग घर से एग्जाम दे रहे हैं भाई, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करके छोड़ के आगे बढ़ो भाई, है ना? उनके चक्कर में आखिरी के क्वेश्चन जो कि इजी थे उनको मत छोड़ देना भाई। उसके अलावा इनबिल्ट कैलकुलेटर अलाउड था, आपको अलग से कैलकुलेटर नहीं ले जाना था अपना, ना घर पे अलग से कैलकुलेटर यूज करना था, इनबिल्ट कैलकुलेटर अलाउड था सिस्टम के अंदर। उसके अलावा आखिरी के 3 से 4 जो क्वेश्चन थे हर एक सेक्शन में, न्यूमेरिकल में, रीजनिंग में और वर्बल में, हर एक सेक्शन में आखिरी से 3 से 4 जो क्वेश्चन थे आखिरी के, उनमें कोई भी ऑप्शंस नहीं गिवन थे, तो फिल इन द ब्लैंक टाइप थे, तो आपको खुद ही आंसर जो है वो फिल आउट करना था। अब यहां पर एक स्ट्रेंज बात देखी गई है भाई, सारे टॉपिक्स कवर ना करके केवल कुछ 5-6 टॉपिक्स पर फोकस किया गया भाई। आई एम नॉट सेइंग कि आपके स्लॉट में भी इन्हीं टॉपिक पर फोकस करेंगे, बट अभी तक जो स्लॉट्स हुए हैं उनमें इन टॉपिक पर फोकस किया, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपोनेंटेस्ट, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। हो सकता है आपके में से इनमें से फोकस करे भी नहीं भी करे, टीसीएस की चॉइस है। रीजनिंग एबिलिटी में डेटा सफिशियंसी, लॉजिकल डिडक्शन जो कि स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस पर मेनली फोकस किया गया था, राइट? तो भाई मेरे ख्याल से आपको यार अच्छा खासा आइडिया मिला होगा, क्लैरिटी मिली होगी। तो जिन बच्चों का एग्जाम जो है हो चुका है भाई, तुरंत अपनी भाई इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दे भाई। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स की लिंक होगी, आपको रिज्यूम बिल्डिंग ट्रेनिंग, एचआर इंटरव्यू प्रिपरेशन, फिर मॉक इंटरव्यू, जितने भी बच्चों के मैं मॉक इंटरव्यूज लेता जा रहा हूं उन सबकी भी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, दूसरों की गलतियों से भी हम सीखते हैं, है ना? टीसीएस के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन, सी लैंग्वेज, जावा, ऊप्स, डेटा स्ट्रक्चर, टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराइए भाई। जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, 3-4 दिन बाद आपका एग्जाम है बेटा, पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट मुश्किल हो जा रहा है, तो जितना बढ़िया टाइम मैनेजमेंट हम सीखेंगे उतना अच्छा है। कैसे सीखेंगे भैया?
जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना बढ़िया टाइम मैनेजमेंट आप सीखने वाले हो। तो आप TCS NQT की हमारी टेस्ट सीरीज को चेकआउट कर सकते हो भाई। आपको यहाँ पर 960 TCS के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, 10 फुल लेंथ टेस्ट, 2 न्यूमेरिकल एबिलिटी, 2 रीजनिंग और 2 वर्बल एबिलिटी के टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा जितने भी अभी ऑफ कैंपस एग्जाम हो रहे हैं, जितने भी स्लॉट्स हो रहे हैं, उन सबके क्वेश्चन भी मैं यूट्यूब पर कराने वाला हूँ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स की लिंक है। 25 अगस्त से इंटरव्यू प्रिपरेशन की हम लाइव ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मेक श्योर आप अभी एनरोल कर लें और डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिख रहा होगा। कोई भी डाउट एंड कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।